तो रॉ आफ्टर मनी इन द बैंक 2020 अब खत्म हो चुका है और आज के रॉ के एपिसोड में हमें बेकी लिंच की तरफ से काफी शॉकिंग अनाउंसमेंट दिखाई दी क्योंकि उन्होंने अपनी रॉ वुमेन चैंपियनशिप को कर दिया रिलिंक्विश। बाकी सारी कौन कौन सी बड़ी चीजें हुई आज के रॉ के एपिसोड में उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि सेथ रॉलिंस ने काफी बुरी तरीके से कर दिया इंजर 619 रेमेन स्टूडियो को, ऐसे सेथ रॉलिंस ने क्यों किया इसके बारे में भी करेंगे। बाद किंग कॉर्बन थे आज के रॉ के एपिसोड में, ड्रू मैकइंटायर ने चैलेंज किया स्मैकडाउन लाइक के कौन से बड़े सुपरस्टार को अगले हफ्ते रॉ के एपिसोड के लिए, एज एंड रैंडी ऑर्टन जब आमने सामने तो क्या कुछ हुआ उनके बीच, शायना बिजलर का एक मैच जो कि दिखाई दिया आज के रॉ के एपिसोड में, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम करेंगे डिस्कस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आपको बता दूं इस बार शो की शुरुआत होती है द मैन बेकी लिंच के साथ और वो माइक के साथ रिंग के अंदर हमें आती हुई नजर आती हैं और उनके हाथ में होता है मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। वो रिंग के अंदर आती हैं, वो बात करती हैं किस तरीके से आज उनके लिए जो रात है काफ़ी ज़्यादा अजीब है, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि इस टाइम वो हंसें या फिर वो रोएं। ऐसे इसलिए क्योंकि 7 साल पहले वो इस WWE के कह सकते हो बिल्डिंग के अंदर एंटर हुई थी, परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर एंटर हुई थी, उन्हें ये बात नहीं पता था कि ऑडियंस उन्हें सपोर्ट करेगी या फिर नहीं, लेकिन ऑडियंस ने एक आयरिश को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जिसके कारण आज वो यहाँ पर खड़ी हैं। फिर उसके बाद वो बात करते हैं किस तरीके से आस्का ने जीता मनी इन द बैंक ब्रीफकेस मनी इन द बैंक के लैडर मैच में जो कि हमें MITB के पेपर व्यू के अंदर दिखाई दिया था। फिर आस्का रिंग के अंदर आ जाती है वहीं से और जो आस्का है वो कहते हैं कि भाई जो तुम्हारे हाथ में ब्रीफकेस है एक्चुअली वो मेरा ना कि वो तुम्हारा है, और आस्का यहाँ काफ़ी गुस्से में दिखाई देती हैं। बेकी लिंच कहती हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि ये सारी चीज़ें आस्का तुम्हारे साथ होने जा रही हैं क्योंकि मुझे तुमने तब हराया था WWE के अंदर जब कोई नहीं हरा पा रहा था और तुम अभी फिलहाल WWE के बेस्ट रेसलर हो। फिर वो बेकी लिंच जो है वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को खोल देती हैं और उसके अंदर रॉ टाइटल निकलती है यानी कि रॉ की वुमेन चैंपियनशिप निकलती है। बेकी लिंच ये कहते हैं जो तुमने मैच रेसल किया था मनी इन द बैंक के लैडर मैच में मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं था बल्कि एक्चुअली में वो मैच रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए था। फिर इसको देख के आस्का काफी ज्यादा खुश हो जाती है, वो कहती है क्या मैं चैंपियन बन गई हूँ। बेकी लिंच यहाँ पर कंफर्म करती है और वो कहती है यस आस्का इज द चैंपियन। फिर आस्का टाइटल उठाती है, वो इधर उधर डांस करती है, इनफैक्ट वो अनाउंसर्स टेबल्स के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन उसके बाद वो रिंग के अंदर आती हैं, पूछती हैं बेकी लिंच से कि अब तुम्हारा क्या होगा। बेकी लिंच कहती हैं कि तुम वॉरियर बनो क्योंकि अब मैं मदर बनने जा रही हूँ। आस्का इसे देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, वो पहले गले मिलती हैं बेकी लिंच से, फिर यहाँ पर वो आस्का चैट करने लग जाती हैं बेकी बेकी के नाम के। यहाँ पर बेकी लिंच काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, इनफैक्ट वो रोने भी लग जाती है रिंग के अंदर और बस यहाँ से वो कहती हैं कि मैं फैंस को काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगी और यहाँ से वो चली जाती हैं बैक स्टेज की तरफ जहाँ पे वो काफी बड़े सुपरस्टार से हमें मिलती हुई भी नजर आती है। तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन टू द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस एंड द मैन बेकी लिंच, और मेरे हिसाब से काफी लंबे टाइम के लिए बेकी लिंच WWE से बाहर जा चुकी हैं। इसके बाद आपको बता दो एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होता है बॉबी लैशली वर्सेस हम्बर्टो कैरलो के बीच। मैच के आखिरी में क्या दिखाई देता है, बॉबी लैशली काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं पूरे मैच के अंदर और मैच के आखिरी में जो हम्बर्टो कैरलो वो अच्छी तरीके से रेसल नहीं कर पाते और रेफरी इस मैच को कर देता है कॉल आउट और बॉबी लैशली की इस मैच के अंदर हो जाती है जीत। फिर एंजल गार्सा वर्सेस अकिरो टोसावा के बीच भी एक सिंगल्स मैच होता है जहां पर एंजल गार्सा की इस मैच के अंदर जीत हो जाती है। फिर एंजल गार्सा ऑस्टिन थ्योरी एंड अंड्राडे हमें रिंग के अंदर आते हुए नजर आते हैं ज़ेलिना वेगा के साथ। इंटरप्शन होती है यहां पर WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर की तरफ से, वो कहते हैं कि क्या तुम तीनों एक बार फिर से एक साथ आ चुके हो क्योंकि तुम बीच बीच में अलग वगैरह हो जाते हो। फिर जो ड्रू मैकइंटायर है रिंग में आते सर ऑस्टिन थ्योरी को एक क्लेमर किक लगाते हैं, इसे देखने के बाद अंड्राडे एंड एंजल गार्सा काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। फिर एंजल गार्सा को भी एक क्लेमर किक पड़ती है और अंड्राडे को एक चैलेंज आता है ड्रू मैकइंटायर की तरफ से। फिर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस अंड्राडे के बीच यानी कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन के बीच हमें एक सिंगल्स मैच दिखाई देता है जहां पर ड्रू मैकइंटायर की तरफ से इस मैच में आखिरी में उनकी जीत हो जाती है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद क्या होता है, जो ड्रू मैकइंटायर वो माइक लेते हैं और वो यहां पे कहते हैं किस तरीके से जो सेथ रॉलिंस ने काफी तगड़ा मैच दिया लेकिन स्टिल यहां पर ड्रू मैकइंटायर ने टाइटल को किया अपने रिटेन। फिर ड्रू मैकइंटायर चैलेंज करते हैं यहां पर किंग कॉर्बन को अगले हफ्ते रॉ के एपिसोड के लिए और मैच होने वाला है WWE चैंपियनशिप के लिए। और आपको बता दो वाइल्ड कार्ड रूल्स के एक बार फिर से रिटर्न हो चुकी है WWE के अंदर क्योंकि अगले हफ्ते किंग कॉर्बन हमें रॉ के एपिसोड में आते हुए नजर आने वाले हैं और ड्रू मैकइंटायर ने यहां पर इसे मेंशन किया था ब्रांड टू ब्रांड इनविटेशन। तो देखते हैं क्या कुछ होता है अगले हफ्ते रॉ के एपिसोड में। इसके बाद आपको बता दो हमें अलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस का मोमेंट ऑफ ब्लिस दिखाई देता है। पहले वहां पर वो बेकी लिंच की प्रेगनेंसी के बारे में बात करती हैं, फिर वो बात करती है मदर्स डे के बारे में, लेकिन तुरंत बाद वहां से वो अनाउंस करते हैं किस तरीके से उनके आज स्पेशल गेस्ट हैं आइकॉनिक्स यानी कि बिली के एंड पेटन रॉयस जिन
कि आज काफी बड़ी रिटर्न होती है रॉ के एपिसोड में। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर वो एक टाइटल मैच की डिमांड करती हैं कि भाई अलेक्सा ब्लेस एंड निकी क्रॉस तुम हमसे एक मैच के अंदर आके रेसल करो। लेकिन अलेक्सा ब्लेस एंड निकी क्रॉस कहते हैं कि भाई ऐसे थोड़ी तुम्हें मैच मिल जाएगा। फिर वो एक नॉन टाइटल मैच के अंदर इनके साथ रेसल करती हैं, जहाँ पर इस मैच के अंदर हमें आइक्लोनिक्स की तरफ से काफी तगड़ी चीज दिखाई देती है। एंड यस, अगले हफ्ते हमें इन दोनों के बीच एक टाइटल मैच भी जरूर दिखाई देगा। फिर सेड्रिक अलेक्जेंडर आर ट्रूथ एंड रिकोशी हमें फेस करते हुए नजर आते हैं MVP विंक एंड शेन थॉर्नी का, जहां पे इस मैच के अंदर आर ट्रूथ लगा देते हैं मैच की एंडिंग में लाइट डिटेक्टर। और इसके बाद हमें MVP इस मैच के अंदर हारते हुए नजर आते हैं और आर ट्रूथ सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड रिकोशी की तरफ से इस मैच के अंदर जीत हो जाती है। फिर रे मिस्टीरियो एंड अलिस्टर ब्लैक वर्सेस बडी मर्फी एंड सेथ रॉलिंस के बीच मैच दिखाई देता है, जहां पर जो आप कह सकते हो रे मिस्टीरियो एंड अलिस्टर ब्लैक ऑलरेडी रिंग के अंदर होते हैं, बडी मर्फी लेकिन सेथ रॉलिंस को भाई घसीट के रिंग के अंदर आते हुए नजर आते हैं। I mean, सेथ रॉलिंस कहीं नहीं देखते, ना वो लेफ्ट देखते ना ही वो राइट देखते हैं और ना ही वो फोकस्ड होते हैं अपने अपोनेंट्स की तरफ, बल्कि वो सीधा बस रिंग के अंदर आते चलते हैं एक रोबोट की तरह और वो आके रिंग साइड पर खड़े हो जाते हैं, यानी कि जैसे एक टैग टीम पार्टनर खड़ा होता है। मैच शुरू हो जाता है, बर्डी मर्फी एक तरह का 2-on-1 हैंडीकैप मैच रेसल करते होते हैं। अलिस्टर ब्लैक एंड रे मिस्टीरियो दोनों ही सेथ रॉलिंस की तरफ देखते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस का इसको लेकर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। लगता है ऐसे कि मनी इन द बैंक पेपर व्यू में हारने के बाद सेथ रॉलिंस को काफी बड़ा झटका लगा, या फिर बेकी लिंच ने जैसे ही प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी इसलिए उन्हें झटका लगा। ये बात का तो कोई कंफर्मेशन नहीं हुई रॉ के एपिसोड में, लेकिन स्टिल जो सेथ रॉलिंस है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं। लेकिन मैच के आखिर में क्या होता है, जब रे मिस्टीरियो गलती से एक मुक्का मार देते हैं या फिर कहूं पेट के ऊपर मार देते हैं सेथ रॉलिंस की, बस भाई वहीं से सेथ रॉलिंस का दिमाग घूम जाता है। वो उठाते रे मिस्टीरियो को इधर उधर पटकना शुरू कर देते हैं, बडी मर्फी उनकी मदद करने आते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस बडी मर्फी को वहीं के वहीं रोक देते हैं। फिर जो वो आंख है रे मिस्टीरियो की, वो एक जो स्टील स्टेप से उसकी तरफ ले जाते हैं और उसके अंदर लगा देते हैं रे मिस्टीरियो की आंख को और काफी तगड़ा दबाव डालते हैं पीछे की तरफ से। फिर रे मिस्टीरियो की आंख से हमें खून निकलता हुआ नजर आता है और लगता है सर रे मिस्टीरियो को एक आई इंजरी हो चुकी है और काफी लंबे टाइम के लिए रे मिस्टीरियो भी WWE से बाहर रहने वाले हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सेथ रॉलिंस उन्हें वहीं पर छोड़ देते हैं। फिर बैक स्टेज की तरफ हम लोग जाते हैं, जहां पर जो सेथ रॉलिंस है वो रे मिस्टीरियो को ढूंढते होते हैं और यहां पर वो अपॉलोजी मांगते हैं अलिस्टर ब्लैक एंड रे मिस्टीरियो से कि भाई उन्हें नहीं पता था कि क्या कुछ उन्होंने कर दिया रे मिस्टीरियो के साथ। फिर उसके बाद क्या होता है, जो अलिस्टर ब्लैक है वो बड़ी मर्फी के साथ एक बैक स्टेज ब्रॉल के अंदर हमें दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद आपको बता दूं हमें एक बास्केटबॉल मैच दिखाई देता है, जो कि था रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप, यानी कि द स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस वाइकिंग रेडार्स के बीच। आपको बता दूं यहां पर जो माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट स्टार्टिंग में रूल्स समझाते होते हैं, फिर वो आए के नेवारा वो रूल्स वगैरह कुछ नहीं समझते मैच के, कह सकते हो स्कोरबोर्ड कुछ इस तरीके से होता है जब 74/2 होता है और यहां पर जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है काफी ज्यादा हंसते होते हैं। लेकिन उसके बाद जो वाइकिंग रेडार्स हैं वो दिखाते हैं किस तरीके से वो भी बास्केटबॉल खेल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो इतनी देर से नहीं खेल रहे थे। तो काफी वियर्ड सा सेगमेंट था रॉक एपिसोड में। लेकिन शायना बेजलर वर्सेस नटालिया के बीच भी मैच होता है, जहां पर हमें जो नटालिया वो हारते हुए नजर आते हैं और शायना बेजलर ने काफी तगड़े मैच में रेसल कर लिया और यहां पर हरा दिया नटालिया को। उसके बाद आपको बता दूं फाइनली हमें रैंडी ऑर्टन एंड एज आते हुए नजर आते हैं रिंग के बीच में, चार्ली क्रूस खड़ी होती है और वो एज को यहां पर इंट्रोड्यूस करती है। एज आते हैं रिंग के अंदर, फिर वो बात करते हैं किस तरीके से पूरे 6 हफ्ते बाद एक बार फिर से वो रिंग के अंदर आए हैं। रेसलमेनिया 36 के अंदर उन्होंने रैंडी ऑर्टन को हराया एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के अंदर और उनका कहना ये था कि WWE के अंदर वापसी इसलिए कर रहे हैं ताकि वो खुद अपने टर्म्स के ऊपर रिटायर हो सकें। फिर वो बात करते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर एज ने हरा दिया रैंडी ऑर्टन को, लेकिन रॉ के एपिसोड में जो WWE वो इस बात को एडवर्टाइज कर रही थी कि जो वाइपर रैंडी ऑर्टन है एंड जो एज एक बार फिर से आमने सामने आएंगे और वो रेसल करेंगे। लेकिन एज का कहना ये था कि मैं और मेरी जो फैमिली वो ये सारी चीज़ें भूलने के लिए तैयार है और मैं कोई भी राइवलरी रैंडी ऑर्टन के साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं। लेकिन फिर वहां से रैंडी ऑर्टन आते हुए नजर आते हैं, रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आते हैं और वो कह सकता है जो चार्ली क्रूस हैं वो रैंडी ऑर्टन को भी इंट्रोड्यूस करवा देती हैं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर एक बेस्ट बंदा जीता था, फिर वो रिंग को लीव कर देते हैं। फिर वो काफी ज्यादा सोचते हैं, फिर से रिंग के अंदर आते हैं, वो कहते हैं मैंने यार काफी ज्यादा ट्राई किया इस चीज को लेकर, मैंने सोचा क्यों ना आप तुम्हें तारीफ करूं रिंग के अंदर आके और एक बार फिर से रेटेड RKO की जो टैग टीम थी उसका रियूनियन हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि बेस्ट रेसलर नहीं जीता था रेसलमेनिया में, बल्कि एक बेस्ट बंदा जीता था क्योंकि बेस्ट रेसलर तो मैं हूं। फिर वो बात करते हैं बैकलैश पेपर व्यू के बारे में और वो चैलेंज कर देते हैं एज को एक काफी तगड़े मैच के लिए। उनका कहना ये होता है क्यों ना एक स्ट्रेट अप रेसलिंग मैच हमें दिखाई दे बैकलैश के शो में, क्योंकि मैं तुम्हें चैलेंज करने वाला हूं उस मैच के लिए। जो कह सकते हो एज है वो काफी ज्यादा शौक होते हैं यहां पर, उनका कोई आंसर नहीं होता रैंडी ऑर्टन की साइड को लेकर और किस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने उन्हें काफी तगड़े मैच के लिए कर दिया चैलेंज। और जो एज है वो काफी ज्यादा
अंदर सोचते होते हैं इस बारे में, और रॉ का एपिसोड इसी तरीके से सस्पेंस के अंदर खत्म हो जाता है। तो भाई नहीं समझ आ रहा WWE एक्चुअली में वो फिर से इन दोनों की रिवैलिटी क्यों दिखा रही है। बाकी आपके हिसाब से स्ट्रेट अप रेसलिंग मैच क्या हो सकता है नीचे मुझे कॉमेंट्स के अंदर जरूर बताना। एंड आज का जो रॉ का एपिसोड था वो बोरिंग जरूर था यार, क्योंकि मजा नहीं आया इतना जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन बाकी देखते हैं आगे क्या कुछ होता है आने वाले रॉक एपिसोड के अंदर। लेकिन गाइस ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, आज का रॉक एपिसोड भी बस यहीं तक था। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो नीचे वीडियो कर ऑफकोर्स लाइक के बिना कहीं मत जाना। अगर आप चैनल पर नवे तो ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती रहे। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।